वेलकम बच्चा पार्टी। चलो हम लोग कहाँ पर थे? क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू हमारा कंप्लीट हो चुका था, है ना? सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। TS गरेवाल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बैंगरी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट, है ना? चलो देखो। ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ महेश शोट कर रहे डेबिट बैलेंस 7,500 का, ठीक है? डेबिट बैलेंस बोल रहा है कैश बुक का, इट मीन क्या? पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लेते हैं पहले, सबसे पहले है ना, बैलेंस एस पर कैश बुक डेबिट शो कर रहा है हमारे पास कितना है? 75,000 का। ओके चलो लेट्स मूव ना। और क्या बोल रहा है? व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड। ओके क्या क्या हुआ है? बोल रहा है 30th मार्च को टू चेक ऑफ 5,000 एंड 7,000 वर डिपॉजिट इन इन द बैंक बट वर नॉट रियलाइज टिल द डेट। ओके समझे ना, नॉर्मल सा तो है। दो चेक था, ठीक है, हमने क्या किया, डिपॉजिट करा, हमने डिपॉजिट कर दिया होगा। ओके अब डिपॉजिट कर दिया होगा, अब देखो डिपॉजिट कर दिया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ, कहाँ समझाऊँ, देखो डिपॉजिट कर दिया होगा, ठीक है। अब हमने जब डिपॉजिट किया होगा, देखो डिपॉजिट किया होगा तो हमने कैश बुक में क्या किया होगा, डिपॉजिट किया होगा तो हमने कैश बुक का बैलेंस को इंक्रीज किया होगा। इट मीन देखो मैं आपको मस्त तरीका बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट, और ये रहा हमारा पासबुक बैंक का, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। देखो हमने 5,000 और 7,000 से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, किसको? कैश कैश बुक हमारे को, ठीक है, हमारा जो कैश बुक था उसको इंक्रीज कर दिया। बट सेम सेंस में क्या हुआ, वो टिल द डेट क्या हुआ, बैंक में तो इंक्रीज नहीं हुआ। तो हाँ, हमको कौन सी मिस्टेक को राइट करना पड़ेगा बैंक में? भाई देखो कैश बुक में तो डेबिट हो गया तो बैंक में क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैंक बढ़ता किस साइड है, क्रेडिट साइड, घटता किस साइड है, डेबिट साइड, और कैश बुक इंक्रीज किस साइड होता है, डेबिट साइड, डिक्रीज किस साइड होता है, क्रेडिट साइड। ये तो तुमको पता ही है। और आप अगर डेबिट क्रेडिट के एस्पेक्ट से भी सोचोगे तो देखो कैश बुक में जब डेबिट हो चुका और बैंक में जब क्रेडिट नहीं हुआ तो कितना हो गया, 5,000 प्लस 7,000, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 12,000, है ना? 12,000 से हम इसको इंक्रीज कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई ऐसा तो वो नहीं था। बाकी फॉर्मेट में इसलिए बनाया क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं जल्दी से। ओके चलो बढ़े आगे, पोस्ट कर देते हैं उसको। देखो 12,000 से इंक्रीज करना है, ओके चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल ऑन 31 मार्च, ठीक है, वर 5,000 एंड 7,000। ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट 12,000 से, समझे ना? नीचे तुम लोग को बता दिया क्यों हुआ। ओके चलो मूव करें आगे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट? ये हो गया, ये भी हो गया। ऑन 28 मार्च 3 चेक 6,000 8,000 एंड 12,000 वर इशूड कर दिए बट नॉन ऑफ दिस चेक वर प्रेजेंट टू द बैंक फॉर पेमेंट। देखो क्या बोल दिया, नॉर्मल क्वेश्चन हमारे को, हमको बोल दिया हमारे पास 3 चेक थी, ठीक है,
तीन चेक थी हमारे पास। इशू करा मतलब क्या, हमारा बैंक, सॉरी, हमारा इशू करेंगे तो हम क्या करेंगे, कैश कैश बुक को हम लोग कम, हम लोग कैश बुक से तो कम कर दिए, ठीक है, 6,000, 8,000 और 12,000, इतने से हम लोग कम कर दिए। लेकिन क्या हुआ, जब पेमेंट का टाइम आया ना, पेमेंट के टाइम क्या हुआ, देखो ये बोला है, बट नो नॉन ऑफ दिस चेक ऑफ दिस हाँ वर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। मतलब क्या हो गया, कोई चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो गलती हुआ ना, प्रेजेंट होना था, ठीक है। मतलब कि क्या, देखो आपको फिर से फॉर्मेट में बता देता हूँ मैं, ठीक है, देख लो, ये हमारा कैश बुक है, हो गया, ठीक है, और ये हमारा पासबुक का बैलेंस हो गया जो बैंक है अपने पास, ठीक है। हमारे पास देखो, ये लिख कर देता हूँ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। देखो हमने जब चेक इशू करा होगा तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, तो क्या करेंगे, करें होंगे हम लोग ने 6,000, ठीक है, 8,000, 6,000, 8,000 और 12,000 रुपीज़ से हम लोग ने क्रेडिट किया। अब देखो क्या मिस्टेक हुआ, बैंक ने उसे क्या नहीं किया, उसे डेबिट नहीं किया, उसे बैंक ने डेबिट नहीं किया, तो गलती हो गई ना, तभी, अब देखो ये गलती हुई है, ये मिस्टेक हुआ है, तभी तो एरर आया ना, तभी तो इस स्टेटमेंट पे हम लोग को शो करने बोला, ठीक है। तो बैंक में हम क्या करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक से भी तो माइनस होना चाहिए, जब कैश बुक से माइनस हो गया तो बैंक से भी तो माइनस होना चाहिए। और क्या बोला, आप 31 मार्च तक आपका जो पेमेंट का जब डेट आया ना, तो ये हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो ये माइनस हुआ ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग 6,000, 8,000 और 12,000 को माइनस कर देंगे। देखो आप अप्रोच को समझ लो स्टूडेंट्स, देखो दो अप्रोच चल रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो इधर डेबिट हो रहा है, ठीक है, अगर इधर डेबिट हो रहा है तो इधर क्रेडिट हो रहा है, आप उस अप्रोच से भी जा सकते हो, और ये तो बेस्ट वे है, आप एक बार में समझ रहे होगे। कैश बुक से सबसे पहले नॉर्मल एंट्री पास कर दो आप, हाँ कैश बुक से हम लोग ने देखा आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने उसको क्रेडिट करा, बट सेम सेंस में क्या हुआ, बैंक ने उसे डेबिट नहीं किया, बैंक डेबिट करेगा इसका मतलब माइनस कर रहा है ना, जब हम कैश बुक से माइनस कर चुके तो बैंक से भी माइनस करेंगे ना, तो बैंक से भी इसलिए क्या कर दिया हम लोग ने, डेबिट कर दिया, ओके। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा, टोटल 26,000, ठीक है, चलो इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। देखो 3 चेक वर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल ऑन 31 मार्च वर टिल ऑन 31 मार्च 100 रुपीज़ कितना कितना है, 6,000, 8,000 एंड 12,000। ओके टोटल कितना हो गया हमारा, 26,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम नॉर्मल वे में क्रिस्टल क्लियर। जी भैया जी, हो गया, चलो एकदम बेहतरीन सीरीज चल रहा है भैया हमारे साथ तो आपका। चलो कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ तक हो गया। ऑन 31 मार्च बैंक क्रेडिटेड कर रहा है 1,250 एज अ इंटरेस्ट, बट दिस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सिमिलरली द बैंक चार्जेस। ओके पहले तो इसकी एंट्री कर देते हैं, कौन सी, जो बैंक ने इंटरेस्ट दी हमको कितने का इंटरेस्ट दिया, देखो 1,250 का इंटरेस्ट दिया, मतलब क्या हुआ, बैंक ने क्या किया होगा, देखो इंटरेस्ट दिया, ठीक है, इंटरेस्ट दिया तो क्या हुआ होगा, बैंक में
जब 250 का इंटरेस्ट दिया तो 250 से बैंक ने क्रेडिट किया होगा। देखो बैंक हमारे अकाउंट में प्लस क्रेडिट साइड में करता है। अब यहाँ क्रेडिट हुआ तो कैशबुक में आप बता दो क्या होगा, 250 से डेबिट होगा। ओके टू फिफ्टी था, ट्वेल्व फिफ्टी यार, सॉरी 1250। ओके देखो 1250 से डेबिट, ठीक है चलो देख लो क्या होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड इन कैश बुक, ठीक है कितने का, 1250 का। ओके देखो आगे चले और क्या बोल रहा है। हाँ सिमिलरली बोल रहा है, द बैंक चार्ज कर रहा है 150 एज बैंक चार्जेस बट दिस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके कोई इसमें वो नहीं था, 150 क्या कर रहा, बैंक ने चार्ज कर दिया। देखो बैंक ने चार्ज किया मतलब बैंक ने क्या किया होगा, हमारे अकाउंट से माइनस किया होगा, डेबिट किया होगा 250 सॉरी 150 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 150 से। चलो देखो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस लिख दो, वही वो नहीं है ठीक है, 150 से क्या कर दो क्रेडिट लगा दो। और आगे चलें देखो और आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है बैंक पेड कर रहा है इंश्योरेंस, बैंक ने पेड किया इंश्योरेंस प्रीमियम 5000 का बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज 500 का। मतलब कि ये देखो ये नॉर्मल क्या बोल रहा है, 5000 का इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड कर दिया लेकिन हमने जब कैशबुक में नोट किया होगा ना तो उसको 500 से नोट किया। मतलब कि क्या, मतलब कि देखो एग्जाम्पल हमारा ये जो चलता आ रहा है, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा होगा तो बैंक ने तो 5000 से माइनस कर दिया होगा हमारे अकाउंट को, है ना, डेबिट कर दिया होगा बैंक ने, बैंक ने डेबिट कर दिया होगा 5000 से, लेकिन हमने कितने से बस किया है, हमने सिर्फ 500 से किया है बस, तो हमें और कितना करना पड़ेगा, 4500 से और क्रेडिट लगाना पड़ेगा ना हमको, आउट ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश करना पड़ेगा। ठीक है चलो भैया एकदम सही ट्रिक है भैया ये पता करने का हर चीज़ को। ओके है ना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो गया है, लेस चार्ज हो गया है, कितने से क्रेडिट करना था, 4500 से, क्योंकि 5500 तो ऑलरेडी वो क्या हो गया है, क्रेडिट हो चुका है। चलो टोटल लगा लेते हैं। ओके टोटल क्या आएगा हमारा, 75000, 26000 प्लस, तो ये हो जाएगा देखो 1,02,250, ठीक है 1,02,250। ओके और क्या जाएगा हमारा, बैलेंस एस पर पासबुक जो कि क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है कितने का आ गया हमारा, 85,600, 85,600। ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ TS गरेवाल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, धमाकेदार सीरीज हो रही है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल आपको अच्छा लगा हो और टेक्निक्स अगर आपको बहुत अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और शेयर तो आप लोग कर ही रहे हो। ठीक है मिलते हैं
फोर्थ क्वेश्चन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, बाय।